हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है, इससे पहले आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया होगा एंड इसके कुछ लॉज भी थे। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉज थे, सेम लॉज अप्लाई होते हैं आपके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है, ये आप कोई हार्ड सरफेस ले लो, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होना कि बाउंस बैक होना आपकी साउंड का। जैसे यहाँ से कोई आपकी साउंड गई, उसने क्या किया, हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक मींस बाउंस हुई। बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब भी कोई साउंड हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है आपकी बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड when it strikes a hard surface is called reflection of sound, ठीक है, समझ गया आप। हार्ड सरफेस पे साउंड का जाना एंड देन रिफ्लेक्ट होना, वापिस आना, बाउंस बैक करना, उसको आप क्या कहते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्लियर। अब जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज रहते हैं, सेम यहां भी आपके दो लॉज रहते हैं। फर्स्ट लॉ रहता है आपका कि आपकी जो इंसिडेंट साउंड वेव है, आपकी जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है एंड जो आपका नॉर्मल है, आर ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये दोनों, ये तीनों किस पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे, ठीक है। फर्स्ट लॉ ये कहता है, और बच्चे सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ आपका कहता है कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इन दोनों लॉज को क्या करेंगे, देखेंगे। फर्स्ट था कि आपकी जो तीनों वेव्स रहती हैं, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल, दे बोथ लाई ऑन अ सेम प्लेन। एंड दूसरा क्या है कि जो आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट है, दे बोथ आर इक्वल, आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। चलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक हम इसमें लेंगे ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। टेबल पे हम वर्टिकली रखेंगे ड्राइंग बोर्ड, दैट इज डी डी बार। इसको आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो ट्यूब्स लेंगे, एक हमने ली ट्यूब टी वन, दूसरी हमने ली ट्यूब टी टू,
ये आ गई T1 ट्यूब, ये आ गई T2 ट्यूब। अब इन ट्यूब्स को हमने बोर्ड से थोड़ी स्पेस देके रखा है, ठीक है। ये आ गया आपका नॉर्मल, इसको नाम दे दो O, इसको आप दे दो A, इसको आप दे दो N, दैट इज नॉर्मल, एंड इसको आप दे दो B, ठीक है। अब देखो जो ये पॉइंट है, ये है आपका साउंड रिफ्लेक्ट जो हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। होता क्या है, आपने यहाँ पे एक क्लॉक रखी। अब ये क्लॉक क्या काम करेगी, जैसे क्लॉक में आवाज आएगी टिक 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 की, तो ये यहाँ से इंसिडेंट साउंड जो है वो यहाँ से जाएगी और इस सरफेस पे जाके क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होगी इस सरफेस पे। यहाँ पे क्या होगा, आपका एयर होगा। अब आपने क्या करना है, ये जो ये एंगल है, ये है आपका इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ जो एंगल बना, दैट इज इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड के साथ जो नॉर्मल का बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। अब आपने क्या करना है, आपने इस क्लॉक को T2 में सुनने के लिए, प्रॉपर लाउडर आवाज सुनने के लिए क्या करना है कि आपने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करना है, चेंज करना है। तब तक आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को चेंज करते रहोगे जब तक आपकी यहाँ की जो ये साउंड आ रही है वो यहाँ तक प्रॉपर सुनाई ना दे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बराबर हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, और इस टाइम पे क्या होगा कि आपकी जो यहाँ से साउंड जा रही होगी वो प्रॉपरली लाउडर सुनाई देगी, कहाँ पे, आपके सेकंड ट्यूब में, ठीक है। तो इसी तरह कब वो प्रॉपर एंड लाउडर सुनाई देगी, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। एक तो ये था, और सेकंड में क्या है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और आपका नॉर्मल जो है वो क्या करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब हम इसमें देखेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस इसकी क्या होती हैं? सबसे पहले आप देखो मेगाफोन एंड बल्ब हॉर्न, मेगाफोन एंड बल्ब हॉर्न, ठीक है। अब जो मेगाफोन होता है ना, वो आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, फनल टाइप का होता है, ठीक है, ये फनल टाइप का होता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो डिवाइस होती है, जैसे मेगाफोन एंड बल्ब फोन, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे शहनाई वगैरह, वो सब डिजाइन की होते हैं कि साउंड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेंड आउट करने के लिए विदाउट स्प्रेडिंग, ठीक है। ये सारे डिवाइसेस जो होते हैं ये फनल शेप के होते हैं, जो क्या करते हैं, साउंड वेव्स को रिपीटेडली क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, सो दैट मोस्ट ऑफ द साउंड वेव जो हो क्या हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट जो हैं, ये वर्क करते हैं किसके ऊपर, ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इनमें क्या होती है, मल्टीपल ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और जो बल्ब हॉर्न है, ये आपने देखा होगा जो साइकिल्स या कार्स में यूज करते हैं ना, है ना, वो पंप टाइप, वो क्या होती है, बल्ब हॉर्न होता है आपका। एक इसकी एप्लीकेशन ये है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, एंड द सेकेंड वन इज स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। अब अच्छा आपको पता है स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्टेथोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डॉक्टर्स जो है वो यूज करते हैं किसके लिए, साउंड को लिसन करने के लिए, जो आपकी ह्यूमन बॉडी से जनरेट होती है जैसे हार्ट से लंग्स में। तो ये होता क्या है, आपने देखा होगा ये इस टाइप का होता है, इसको आप कहते हो एयर पीस, इसको आप कहते हो चेस्ट पीस, एंड इसको आप कहते हो डायफ्रैगम, और ये जो ये है आपकी रबर ट्यूब,
रबर ट्यूब। देखो बच्चे, अब इसमें क्या होता है कि आपके पास इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका चेस्ट पीस। जो ये चेस्ट पीस है, ये क्या होता है, आपके डायफ्रागम के बॉटम में होता है। ये क्या करता है, जो आपका डायफ्रागम होता है वो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है साउंड को। क्या करता है, एम्पलीफाई द साउंड। डायफ्रागम का क्या काम होता है, साउंड को एम्पलीफाई करना। उसके बाद आते हैं आपके ये टू एयर पीस, ये तो आपको पता है कानों में लगाते हैं डॉक्टर। उसके बाद आता है आपका रबर ट्यूब। अब जो ये रबर ट्यूब है, ये रबर ट्यूब क्या करती है, ये आपके चेस्ट पीस को ज्वाइन करवाती है एयर पीस के साथ और क्या करती है, साउंड को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। यहाँ से साउंड है, इसको ट्रांसमिट करती है टुवर्ड्स द एयर पीस, ठीक है। और स्टेथोस्कोप भी है, वो क्या करता है, आपका मल्टीपल डायरेक्शंस पे क्या करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है। जैसे ये आपकी रबर ट्यूब आई ना, साउंड आई, ये रिफ्लेक्शन हो रही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, यहाँ गई फिर रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ गई फिर रिफ्लेक्ट हुई, ये फिर रिफ्लेक्ट, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है इसमें। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। सो जो अब आपका नेक्स्ट है वो है आपका इको। अच्छा, इको क्या होता है, इको होता है गूंजना, आवाज का गूंजना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके हो एक बिग एम्प्टी हॉल में हो, ठीक है, एक एम्प्टी हॉल है, बिग एम्प्टी हॉल, ठीक है। आपने वहां पे क्या बोला, हेलो बोला, तो वो हेलो क्या होगा कि मतलब जैसे आपने ओरिजिनल वॉइस आपकी भेजी, वो वहां से क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक हुई, मतलब गूंज कर वापिस आई, ठीक है। ये क्या होता है इसमें कि इट अपेयर्स एज द हॉल इज रिपीटिंग आवर हेलो। ऐसा आपको लग, जब ये एम्प्टी हॉल होगा आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आवाज जो है फिर से क्या हुई, रिपीट हुई, ठीक है। मतलब आपने जो आवाज दी वो फिर से रिवर्ट बैक हुई, है ना, फिर से रिवर्ट बैक हुई। उसको क्या बोलोगे आप, इको। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है आपकी रेपिटेशन होना, ठीक है, मतलब दोहराया जाना, रेपिटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इको, ठीक है। क्या होता है इको, रेपिटेशन होना साउंड का, ठीक है, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से रेपिटेशन होना साउंड का, मतलब एक बार गया फिर जब वापस आई से वही आवाज हमें रिवर्ट बैक हुई, उसको आप क्या बोलोगे, इको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इको का मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, मतलब कि आपके सोर्स से रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा कि आपको इको सुनाई देगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सरफेस है और यहाँ पे एक मैन है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना, सो दैट कितना डिस्टेंस होना चाहिए सो दैट आपको इको सुनाई दे। अब हम वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि आपका जो टाइम गैप होना चाहिए दो सेपरेटेड साउंड्स का, है ना, कि ह्यूमन एयर दो सेपरेट साउंड तभी सुन पाएंगी, ह्यूमन एयर जो है वो दो सेपरेट साउंड तब सुन पाएंगी जब उनके बीच में जो टाइम गैप होगा वो कितना होगा, 1/10 सेकेंड और 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जो ओरिजिनल साउंड है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड जो कि इको है वो सेपरेट तभी होगी, है ना, सेपरेटली आपको तभी सुनाई देगी जब उनके बीच में जो टाइम गैप होगा वो कितना होगा, 1/10 सेकेंड का, ठीक है। अब ये तो आ गया टाइम गैप, अब डिस्टेंस निकालते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको, ठीक है। कितना डिस्टेंस होना चाहिए आपका इको को सुनने के लिए।